नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। झारखंड के पुलिस कर्मियों की जरूरतों को पूरा करेगी सरकार। सीएम हेमंत बोले, सभी कैंप परिसरों का होगा कायाकल्प। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज से झारखंड सशस्त्र पुलिस जेपेक परिसर पुलिस बल के लिए आइकॉन परिसर का रूप जाना जाएगा। इस परिसर को नया स्वरूप दिया जाएगा। इस खुशी में हम सब यहां आज एकत्रित हुए हैं। कहा कि खूबसूरत परिसर और काम करने का एक सुंदर वातावरण अगर हमारे इर्द गिर्द या आसपास हो तो हमें जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है उस काम को हम सभी लोग एक अलग उत्साह, उमंग और विश्वास से कर पाते हैं। जैसे जेप वन परिसर एक नामचीन जगह है। राजधानी रांची के बीचों बीच अवस्थित इस परिसर का उपयोग कई अलग अलग कार्यों के लिए होता है। मैं भी यहां कई बार अलग अलग कार्यक्रमों में शरीक हुआ हूं। पिछले साल जेप वन स्थापना दिवस के मौके पर यहां आया था। तभी मैंने यह तय किया था कि इस परिसर का कायाकल्प कर एक नई पहचान देनी है जो आज मूर्त रूप ले चुका है। नए आगंतुक जो यहाँ आएंगे अब इस परिसर के बदलाव को देखेंगे। जयपुर परिसर अब एक आधुनिक पुलिस कैंप परिसर में रूप में पहचाना जाएगा। जल सुरक्षा को लेकर 21 जनवरी से रांची में राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन। 11 विशेषज्ञ बताएंगे उपाय। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार यानी आज 2 दिवसीय जल सुरक्षा वर्तमान में भविष्य की चुनौतियां विषय पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हो रहा है। इस सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों के 11 विशेषज्ञों इंजीनियर शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान शामिल हो रहे करीब 300 प्रतिभागियों के साथ अनुभव साझा करेंगे। ये जानकारी राष्ट्रीय सहयोगक सेमिनार समिति के शिवानंद राय ने दी। बिजली को लेकर परेशान है तो 21 जनवरी को ऊर्जा मेले में आइए, इन समस्या का होगा समाधान। जानिए पूरी खबर। आप बिजली का नया कनेक्शन लेना चाहते हैं या बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान है तो रांची में 21 जनवरी को लगने वाला ऊर्जा मेला आपके लिए है। यहाँ बिजली से जुड़ी अन्य शिकायतों का भी निपटारा किया जाएगा। ये मौका आपके लिए बेहद खास है। शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ऊर्जा मेले में आप आवेदन कर सकेंगे। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से रांची शहर, अनगढ़ा, मांडर, सिकिदिरी एवं नगड़ी में ऊर्जा मेले का आयोजन किया जाएगा। रांची सहित खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिले के विभिन्न स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। गढ़वा में तेंदुआ का आतंक जारी। दहशत में है 100 गांव के ग्रामीण। वन विभाग और शूटर को लगातार मिल रही है चुनौती। गढ़वा जिले में तेंदुआ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेंदुआ ने अब तक 3 बच्चे समेत करीब 1 दर्जन पशुओं को मार चुका है। इसके कारण पिछले 37 दिनों से भंडरिया, रामकंडा, रंका एवं चिनिया प्रखंड के करीब 100 गांव की आबादी दहशत के साए में जी रहे हैं। तेंदुआ किस क्षेत्र में और कब हमला कर देगा, इस डर से ग्रामीण हर वक्त रहते हैं। इन विभाग ने तेंदुआ को मारने या कैद करने के लिए हैदराबाद से 34 शूटर नवाब अपत अली खान को बुलाया है। नवाब शफत अली के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम के साथ स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से तेंदुआ को बेहोश कर पकड़ने के लिए लगातार सर्च अभियान चल रहा है, लेकिन अभी तक शूटर टीम को तेंदुआ को पकड़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। साहिबगंज के उधवा में मिलेगा कश्मीर की डील, झील जैसा मजा, एक बार जरूर करें विजिट। हिमालय की पहाड़ियों में बसे डल झील को लेकर पर्यटक अब झारखंड राज्य के एकमात्र पक्षी अभयारण्य केंद्र सह उधवा झील में नौका विहार का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से उधवा झील के पानी में भी नाव की व्यवस्था की गई है। झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य केंद्र सह उधवा झील उधवा प्रखंड के पतौड़ा पंचायत में स्थित है। उधवा झील के राजमहल की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, अपने आप में एक अनोखा दृश्य पेश करता है। इस झील में ठंड से मौसम में 7 समुद्र पार विदेशी व देशी पक्षी एवं जल क्रीड़ा करने के लिए पहुंचते हैं। एजुकेशन से जुड़ेगा झारखंड का हर बच्चा, हेमंत सोरेन सरकार कर रही है पहल। हेमंत सोरेन सरकार हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने की पहल कर रही है। इसके लिए आप शिशु पंजी के नाम जरूर दर्ज कराएं। झारखंड में अभी भी ऐसे कई बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं या विद्यालय छोड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों की पहचान कर चुके विद्यालय से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा विभाग के विभिन्न पदाधिकारी और चिन्हित स्वयंसेवक संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक परिवारों में जमकर इस आयु वर्ग के स्कूल में आने वाले, नहीं जाने वाले एवं ड्रॉप्ड आउट बच्चों की जानकारी ली जा रही है। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, ठंड से कम मिलेगी राहत, जानिए। झारखंड के मौसम में बदलाव आया है। मौसम वैज्ञानिकों के माने तो अभी ठंड रहेगी। 21 व 22 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में अधिक बादल छा सकते हैं एवं मौसम शुष्क रहेगा। 23 जनवरी को सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा।
24 और 25 जनवरी को कहीं कहीं आंशिक बादल छा सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। 26 जनवरी को आंशिक बादल छा सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। मिड डे मील योजना के 3 साल का किचन कार्य कल से हुआ शुरू, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्देश जारी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का 2018-19 से 2020-21 तक का वैधानिक अंकेक्षण कार्य कल यानी 20 जनवरी शुक्रवार को हो गया। जिला शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी निर्देश जारी किया। अंकेक्षण कार्य 20 जनवरी से 4 मार्च तक अलग अलग प्रखंडों में किया जाएगा। क्या झारखंड के दैनिक वेतनभोगी कर्मी होंगे नियमित? हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 8 हफ्ते को मोहलत। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने विभिन्न विभागों में 20-22 वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मियों की सेवा नियमितीकरण व वेतनमान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने कहा कि प्रार्थी 20 वर्षों से दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे हैं और राज्य सरकार उनसे काम ले रही है, लेकिन उनकी सेवा नियमित नहीं की गई है, वेतनमान भी नहीं दिया गया है। पुणे में बनेगा देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन, जल्द होगा सुरक्षा निरीक्षण। महाराष्ट्र के पुणे में बन रहा मेट्रो रेल का सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से 33.1 मीटर यानी 108.59 फीट नीचे तक होगी। कमिश्नर ऑफ द मेट्रो रेलवे सेफ्टी द्वारा फरवरी में पुणे मेट्रो का सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा। सरकार ने ऋण दिवालिया कानून में 40 से अधिक बदलाव किए प्रस्तावित। केंद्र सरकार ने 2016 में लागू हुए ऋण दिवालिया कानून में 40 से अधिक संशोधन प्रस्तावित किए हैं। सरकार के इन बदलावों पर 7 फरवरी 2023 तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की है। प्रस्तावित संशोधनों में IBC की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे आवेदन करने व नोटिस जारी करने आदि के लिए ई प्लेटफॉर्म विकसित करना भी शामिल है। 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहन होंगे चालन से बाहर, 1 अप्रैल से खत्म हो जाएगा पंजीयन। परिवहन मंत्रालय के एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों में स्वामित्व वाले 15 साल से पुराने सभी वाहन चलन से बाहर हो जाएंगे और इनके रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। इसमें परिवहन निगमों और PSW की सर्विस में शामिल है, लेकिन रक्षा क्षेत्र के विशेष वाहनों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा।